70 केजी बॉडी वेट, तो है कोई 70 केजी वाला तो आ सकता है इनके साथ, तो जीत के दिखाई एक बार बस। हाँ भाई बिल्कुल भी नहीं यार, अभी हम बिगड़ रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आना, कुछ टाइम के बाद भी नहीं आना क्योंकि हम नहीं आने वाले। सो हे गाइस, अदाब नमस्ते सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ भाई कि खैरियत से होंगे। शादाब खान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद आज ये छोटा सा व्लॉग होने वाला, मुझे नहीं पता यार छोटा सा हो गया बड़ा सा, बड़ी बातें आपके साथ डिस्कस करनी है और जो टाइटल पे पढ़ लिया है वो भी बात करते हैं। फिलहाल जल्दी से चलते हैं, अभी ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं सुबह के, तो थोड़ा सा कोई लाइट सा ब्रेकफास्ट करते हैं। कहना क्या चाहते हो? जो भी है उसके बाद चलते हैं जिम की तरफ, क्योंकि काफी दिनों के भाई जिम नहीं गया, और एक फ्रेंड है भाई जो बार बार कॉल कर रहा है भाई जिम आ जिम आ जिम आ, तो एक नई जिम ओपन हुई है भाई, चलते हैं वहाँ पे। और बाकी यार ये एस वगैरह ये बीएड एक्स्ट्रा सारा कुछ उजड़ा पड़ा है, उजड़े मजार की तरह, आज थोड़ी ग्रूमिंग भी हो जाएगी, तो चले तो चलते हैं भाई, मिलते हैं। रिपीट कर देता हूँ, मॉन्स्टर बर्थ जिम का नाम है, और जो मेरी लोकेलिटी के जो यहाँ के लोकल लड़के हैं उन्हें तो वैसे पता है इसकी जो लोकेशन है। अभी हमें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए, और आप मुझे एक मुद्दत के बाद देख रहे हो यार रोस्ट वीडियोज और एक्सपोर्ट वीडियोज़ के बगैर यहाँ पे, क्योंकि इधर मैंने व्लॉगिंग करना छोड़ दी थी, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि बीच बीच में कभी व्लॉग भी डाल दिया करूँ। वो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कभी कभी मैं व्लॉग डालूँ या ना डालूँ, जैसा आप लोग कहोगे वैसे ही हो। अभी हम पूछे एक वर्कआउट रह रहा है उसे भी शूट करते हैं, देन चलते हैं यहाँ से, अदर जो बाकी काम है वो भी दिखाते हैं। मैं ज़्यादा बोर तो आपको करने नहीं वाला हूँ, छोटी छोटी क्लिप्स लूँगा जो भी करूँगा उसकी। लेट्स गो। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट होने वाला पुशअप चैलेंज, मैं सजित भाई के पुशअप काउंट करूंगा और छोटा भाई क्या करेगा कि ओएस भाई के काउंट करेगा, तो उस भाई आप उसके काउंट करो मैं क्या करता हूँ। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। साजिद भाई के भाई हो गए 50 कंप्लीट और अवैस भाई ने 27, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो भाई ये अपने चांद भाई, एक ही सॉन्ग याद आता है यार इन्हें देख लो, ये चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, सुल्फों का रंग सुनहरा, ये झीली सी नीली आंखें, भाई रुला रहा है यार, देखो यार सॉन्ग कौन सा लगाया है, दिल तो पागल है। देखो भाई इधर देखो यार हालत देखो, इतना बड़ा फेस लेके भाई बंदे के सामने में आया था, काटते काटते यहाँ से बंदा इतना इतना करते करते यहाँ तक पहुंचा। अब मैंने बड़ी मुश्किल से भाई बंदे को रोका, यार बस कर ऐसा ना मुझे शेव करवा के घर जाना पड़े, अभी भी हेयर्स के साथ लगा हुआ, मुझे लगता है कि मुझे उस तरह लगवा के जाना पड़ेगा सर पे। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप मेरे साथ में एक छोटी सी वीडियो प्ले कर रहा हूँ, एक बार वो वाली वीडियो देख लें आप। गुस्सा हो गए थे तो गाइस एक YouTube चैनल है जिनका नाम है जेके बॉय शादाब, तो गाइस उनकी तरफ से एक वीडियो आउट हुआ था जिसमें गाइस उन्होंने मोटो खबरी को सामने से टारगेट करके कुछ बातें कही थी, और गाइस बहुत गलत लैंग्वेज का भी यूज कर रहा था। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं किसी भी YouTube चैनल के बायस नहीं हूं, ना ही मोटो खबरी के, ना ही जेके बॉय शादाब के। तो गाइस बात है ब्लू टिक है वो मेटा वेरीफाइड है, तो गाइस जिस पे जेके इसमें 1.5 घंटा रिसर्च करने के बाद मैंने कुछ थीसिस निकाली है कि ऑटो में भाई से बस इतना कहना चाहता हूं यार कि जब पिछवाड़े में जलन हो रही हो ना, आग लगे ना, तो बर्नोल का इस्तेमाल करें। अभी बर्नोल की जरूरत मोटो खबरी भाई को नहीं जेके बॉय शादाब को हो सकती है, बिकॉज अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छी वीडियो बनाता है यार वैसे ये बंदा भी, साथ में ये नाम आ रहा होगा, बंदे को सपोर्ट करो। लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि अबे टटपूंजे, अबे दल्ले, मुझे एक चीज बता कि तेरे और मोटो खबरी के दिमाग में टिट्टी भरी हुई है क्या? जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा भी था कि भाई मुझे अमीर माजिद का जो ब्लू टिक है वो रियल हो वो फेक हो, उसके 50 फॉलोवर्स दिखे 50 से ज्यादा दिखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने वीडियो बनाई थी मोटो खबरी को काउंटर करते हुए कि उसने बोला था कि मेरे भाई 1.5 घंटा रिसर्च किया, मैंने थीसिस निकाली है, लेकिन नहीं तुम्हारे जो पिछवाड़े में तुम्हारे जो ब्रेन में चुल्ल मची हुई है ना भाई, वो अलग ही लेवल की है यार। एक बार मेरी वो वाली वीडियो देख ले भाई जिसमें मैंने लास्ट वाली वीडियो देखनी है, छोड़ अब वो लिया हो ना लिया हो मुझे उसका कोई लेना देना नहीं भाई, उसका ऑफिशियल हो उसका मेटा वेरीफाइड हो कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इससे इसलिए वीडियो बनाई थी कि इसने कहा था 1.5 घंटा रिसर्च की, थीसिस निकाल वेरीफाइड है या ओरिजिनल है, एंड इसमें 1.5 घंटा रिसर्च करने के बाद में मैंने कुछ थीसिस निकाली है कि 50+ से ज्यादा फॉलोअर्स आप देख पा रहे होंगे, खुद चेक कर लेना एक बार में, एंड बाकी भाइयों जितना मेरे को स्टडी करने के बाद में पता लगा है मेटा वेरीफाइड वर्सेस ओरिजिनल वाला जो अकाउंट वेरीफाइड होता है वो ऐसे ही चेक करते हैं। और साथ में इस बंदे ने भी इस चीज को कवर नहीं किया कि मैंने मोटो खबरी को जो बर्नोल वाला इशू था ना
वो मैंने उसे इसलिए कहा था क्योंकि वो एक ही मोटो व्लॉगर को लेके क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था उसकी स्क्रिप्टेड वीडियो। जब उसने एक ही स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई उसे एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने उसे ये कहते हुए ये चीज बोली थी कि क्या कर के बाकी वालों का भी एक्सप्लेन कर, मानी कथी का कर, जोनू स्टंट्स का कर, अमीन का कर, इनसेन का कर, अर्जुन का कर, इन सब का कर, जीनत को कर, लेकिन नहीं दलाली करनी है, पहले मोटो कभी था, अब ये दल्ला आ गया, करो दलाली। मैं किस लिए बैठा हूं भाई, रेल बनाने और तेलने के लिए यार, बनाओ करो, लेकिन सोच समझ के बनाइयो, ऐसा ना हो कि पेले जाओ और रेले जाओ, और फिर जब गेंद पे बजती है ना भाई, वो बड़ा बुरा लगता है तुम लोगों को। और मुझे काउंटर कहां से कर रहे हैं यार, और मुझे बोल कहां से रहे रिप्लाई। भाई बंदे को सपोर्ट करो, ये आईडी आ रही है यार, बना रहा है, लॉट्स ऑफ लव भाई, नो हेट इस बंदे के लिए भाई, कोई हेट नहीं, उस बंदे ने जितना बोलना था अपना काम करना था, किया, लव यू मेरे भाई। गूगल एक्सेस का पिन आ गया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई, बहुत वेट करना पड़ा इसके लिए, तो से कॉन्ग्रेट्स टू मी यार, इतनी चीज भी बड़ी होती है यार, एक क्रिएटर के लिए बड़ी खुशी होती है। ठीक है भाई, आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो भाई बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पहुंची है, तुम लोग बताते नहीं हो यार। एक बंदा कमेंट कुछ करता है यार, जम्मू से हटो यार, जम्मू के बाहर भी बड़े क्रिएटर हैं, उन पे जाओ यार। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सी यू सून, और लाइक कमेंट कर दे, दबा के वीडियो को शेयर कर दे भाई। और भाई जिसने मुझे ये रिप्लाई किया था उसे बोलना चाहता हूँ, एक बार मेरी वीडियो पूरी देख के भाई वीडियो बनाया कर, दूसरों से सुन के मत बनाया कर, देखना रेला गया ना यार, दुख होता है यार।